आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको चेक करना है चारों एक्सप्रेशन में कौन सा एक्सप्रेशन आपका यहाँ पे करेक्ट है। चलिए देखिए, ये हम लोग डेरिवेशन दे रहा हूँ मैं यहाँ पे डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस के बीच में। सेकेंड लॉ बोलता है, सेकेंड लॉ जो हमने जो सेकेंड लॉ आपका निकला थर्मोडायनेमिक्स का, वो आया था सिस्टम की स्पॉन्टेनिटी को चेक करने के लिए। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट लॉ बोलता है कितनी एनर्जी देनी है, कितनी नहीं देनी है, कितना वर्क हुआ है, कितना नहीं हुआ, लेकिन फर्स्ट लॉ ये नहीं बोल पाता है कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। वो हमको बताया सेकेंड लॉ ने विद द हेल्प ऑफ एंट्रोपी। अब सेकेंड लॉ ये बोलता है कि जो एंट्रोपी है यूनिवर्स की, डेल्टा एस यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, या आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी हमेशा बढ़ रही है, हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और जो आपका यूनिवर्स है उसमें वो फैल रहा है। ठीक है, केमिकल सिंबल का मतलब ये है कि डेल्टा एच यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो। इसको बोला गया स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, क्योंकि वो अपने आप हो रहा है, अपने आप यूनिवर्स फैल रहा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एच यूनिवर्स मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग, हम लोग यूनिवर्स की बात करते हैं तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग हो जाएगा, वो क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो डेल्टा एस यूनिवर्स है वो होगा डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, क्योंकि यूनिवर्स क्या होता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए ये क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। चलिए इसके बाद, अब जो डेल्टा एस यूनिवर्स है इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ये हो जाएगा आपका क्यू सराउंडिंग डिवाइडेड बाय टी, और क्यू को मैं लिख रहा हूँ डेल्टा एच, डेल्टा एच सराउंडिंग, क्योंकि क्यू मतलब हीट और डेल्टा एच भी क्या आपका हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ही है। तो हमें डेल्टा एच को टोटल हीट कंटेंट बोल देते हैं, तो सराउंडिंग के पास जितना भी हीट कंटेंट है वो हमें डेल्टा एच होगा उसका। तो डेल्टा एच सराउंडिंग डिवाइडेड बाय टी, या जितना आपके यहाँ पे चेंज हुआ है अभी, ठीक है, जब भी सराउंडिंग सिस्टम पे काम, टोटल हीट कंटेंट चेंज, ठीक है, यहाँ पे डेल्टा यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये बाहर सराउंडिंग है, अंदर सिस्टम है। तो जब सराउंडिंग ने सिस्टम को हीट दी, ठीक है, तो कितना दिया उसे, अभी जब ये हीट दे रहा है यहाँ से, तो सराउंडिंग के केस में हीट निकल रही है, एनर्जी कम हो रही है, तो हम लोग लेंगे नेगेटिव साइन सराउंडिंग के लिए, लेकिन सिस्टम को मिल रहा है तो हम लेंगे पॉजिटिव साइन। अगर पाँच यहाँ से निकला और पाँच इसको मिल गया, राइट, पाँच ही मिल गया क्योंकि सिस्टम सराउंडिंग ने पाँच दिया है, तो सराउंडिंग से पाँच खत्म हो गया होगा। मतलब कहने का ये है कि जो डेल्टा यहाँ पे, जो डेल्टा एच यहाँ होगा वही डेल्टा एच यहाँ होगा, पर डिफरेंस किसी का नेगेटिव का होगा या माइनस का होगा। क्यों? क्योंकि जो जो एनर्जी ख़त्म हुई सराउंडिंग से वही सिस्टम को मिली है, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि डेल्टा एच सराउंडिंग इज इक्वल टू डेल्टा एच सिस्टम बट विद नेगेटिव साइन। एक वापस लिख देता हूँ अच्छे से कि डेल्टा एच सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एच सिस्टम, ये हमको काम आएगा। ठीक है, क्योंकि सराउंडिंग जो जो सराउंडिंग ने सिस्टम को एनर्जी दिया है वो खुद से ही दिया होगा, तो जितना सराउंडिंग से निकला उतना सिस्टम को मिल गया। ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, नेगेटिव डिफरेंस होता है। अगर सिस्टम ने एनर्जी बाहर निकाली है तो मतलब पाँच बाहर निकाली है, वो सराउंडिंग को मिल गई, तो सराउंडिंग के केस में पाँच पॉजिटिव हो गया, इसके केस में नेगेटिव हो गया, तो हमको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। इसमें मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, तो डेल्टा एस यूनिवर्स मिलेगा आपको डेल्टा एस सिस्टम माइनस, इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ डेल्टा एच सिस्टम, ध्यान दीजिएगा ये टेम्परेचर सराउंडिंग का होगा क्योंकि मैं निकाल रहा हूँ एंट्रोपी सराउंडिंग की, डिवाइड बाय टी ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको मैं इस तरह से कर सकता हूँ कि टी एल सी एम ले रहा हूँ, तो टी सराउंडिंग डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू टी सराउंडिंग, सॉरी हाँ ठीक था यार, टी सराउंडिंग डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया हमारा। अभी ये जो मैंने एक्सप्रेशन बनाया है अभी, इसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर वन।
ठीक। अब इस चीज़ को लेके मतलब सराउंडिंग, जब एंट्रोपी पे काम करना थोड़ा इजी नहीं होता, क्योंकि एंट्रोपी को अगर आपको स्पॉन्टेनिटी चेक करनी होती है तो आपको डेल्टा एच यूनिवर्स निकालना पड़ता है, सिस्टम का भी निकालना पड़ता है, सराउंडिंग का भी निकालना पड़ता है, तब हम लोग चेक कर पाते हैं इसका एंट्रोपी चेंज। बट गिब्स ने क्या किया, एक एक्सप्रेशन इसको देख के एक एक्सप्रेशन लिखा उसने कि जी इज इक्वल टू, मैं डिफाइन कर रहा हूँ एक नई टर्म, जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एच, इसको बोलते हैं हम लोग गिब्स की एनर्जी जी को। ठीक है, जो एच है यहाँ पे एंथैल्पी हो गया, एंथैल्पी कंटेंट हो गया, मतलब हीट कंटेंट हो गया सिस्टम का। टी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस सिस्टम इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ही जी को बोला गया, ये जी होगा सिस्टम का, एच भी होगा सिस्टम का, एस भी होगा सिस्टम का, लेकिन टी होगा सराउंडिंग का, ताकि हम लोग इसको मैच कर पाएँ अच्छे से। किस तरह से देखिए, डेल्टा जी में लिखूँ तो डेल्टा जी बन जाएगा डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी एस। ठीक है, तो टेम्परेचर पे भी डेल्टा काम करेगा और एस पे भी काम करेगा, बट यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो किसका है, सराउंडिंग का है। और सराउंडिंग क्या होता है, हमारा सराउंडिंग होता है, ये सिस्टम है, ये हमारा सराउंडिंग है, सराउंडिंग है हमारा इनफाइनाइट हीट रिजर्वायर, इनफाइनाइट हीट रिजर्वायर। मतलब आप अगर आप सराउंडिंग को थोड़ी बहुत हीट दे दोगे तो उसमें टर्बुलेंस नहीं हो सकता है, मतलब उसके जो टेम्परेचर है वो बदलेगा नहीं, है ना, हम उसको कॉन्स्टेंट मान सकते हैं। ये यहाँ से कुछ हीट निकल गई तो सराउंडिंग पे कोई इतना खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि सराउंडिंग बहुत बड़ी होती है, सराउंडिंग सिस्टम पे फर्क पड़ जाएगा हीट का, लेकिन सराउंडिंग का टेम्परेचर कुछ खास में फर्क नहीं पड़ेगा, उसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट मान सकते हैं। यहाँ पर जो टेम्परेचर उसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ कॉन्स्टेंट मान के, तो डेल्टा जी सिस्टम का है, डेल्टा एच भी सिस्टम का है, लेकिन टी सराउंडिंग का है, इसलिए मैं इसको बाहर निकाल दिया, और डेल्टा एच किसका आ गया, हमारा सिस्टम का आ गया। ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूँ इस तरह से कि माइनस ऑफ डेल्टा जी इज इक्वल टू टी सराउंडिंग डेल्टा एच सिस्टम और माइनस डेल्टा एच सिस्टम। ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर टू। अगर आप इक्वेशन वन इक्वेशन टू में कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा कि जो डेल्टा जी है, ठीक है, वो हमारा इक्वेशन टू के बराबर आ रहा है। इस तरह से हमने डिफाइन किया कि डेल्टा जी का टर्म होता है वो ये होता है। ठीक है, और यहाँ से आप देखो कि तो डेल्टा जी जो निकल के आया हमारे पास, वो निकल के आ रहा है माइनस ऑफ टी डेल्टा एस यूनिवर्स, टी डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स, क्योंकि ये वाला टर्म सेम है तो मैं इसको इक्वल कर दिया, तो ये हमारा आ गया। क्योंकि डेल्टा एस पॉजिटिव होने पे चीज़ें स्पॉन्टेनियस होती हैं, तो डेल्टा जी हमारा नेगेटिव होने पे चीज़ें स्पॉन्टेनियस हो जाएंगी, तो इसलिए हमारा नया कंडीशन बनता है डेल्टा जी का, स्पॉन्टेनिटी का। ठीक है, बट हमारा क्वेश्चन यहाँ से है, इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी सिस्टम का है, डेल्टा एच सिस्टम का है, डेल्टा एच सिस्टम का है, लेकिन टी हमारा सराउंडिंग का है। ठीक है, चलिए अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, गलत है, डेल्टा जी इज इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। ठीक है, डेल्टा एच सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा जी माइनस टी डेल्टा एस यहाँ पे, तो अगर मैं डेल्टा जी निकालूँ तो डेल्टा जी आपको मिलेगा डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस, जबकि फॉर्मूला होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, हमें अभी निकाला है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे आप देखो डेल्टा एस निकाल लेते हैं, देखिए डेल्टा एस मैं ऐसे निकाल लेता हूँ जो हमने अभी सोल्व किया है, तो डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा एस का फॉर्मूला बनेगा यहाँ से आप सोल्व करोगे तो 1 बाई टी डेल्टा एच माइनस डेल्टा जी, ये आपका फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, डेल्टा एच माइनस डेल्टा जी इंटू 1 बाई टी, ये आपको दिया हुआ है फोर्थ ऑप्शन में, ये आपका सही हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।